अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बीफ में टिक्का बोटी। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने 1/2 kg बीफ का गोश्त लिया है, जो कि मैंने इस तरीके से पीसीस में किया हुआ है। उसके अंदर मैंने 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1/2 चमचा मैंने इसके अंदर कचरी पाउडर शामिल किया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। 1 घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले डालूँगी। इसके अंदर सबसे पहले मैंने 4 चमचे दही के शामिल करे हैं और तकरीबन 3 चमचे मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला के शामिल करे हैं। टिक्का बोटी का जो भी आप मसाला होता है वो ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मेरीनेट होने रख दिया था। अब तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने सबसे पहले एक पतीली ली है, उसके अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके उसके अंदर मैंने ये सारी बोटियाँ इसके अंदर इस तरीके से डाल दी हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे 1/2 घंटे के लिए और फिर आपको दिखाते हैं। तकरीबन ये 1/2 घंटा हो चुका है और हमारा जो बोटियां हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं और उनके ऊपर ग्रेवी भी आ गई है। तो आप इसको सर्व करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ मैंने पूरियां भी बनाई हैं। पूरियों की रेसिपी मेरी इसी चैनल पर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।